हाय गाइस, काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट्स आया है। कम्युनिटी के ऊपर भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें बी फार्मेसी के बाद क्या करना चाहिए, एम फार्मेसी या फिर फार्मडी। यहाँ पर आप सबसे एक बेसिक साइज का आंसर है, आंसर ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आपके फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है आगे। क्योंकि एम फार्मेसी के बाद और फार्मडी के बाद कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो दोनों में अलग अलग है। ऐसे नहीं है कि आप चाहे एम फार्मेसी कर लो या फिर फार्मडी, आपको काम एक ही करना है। नहीं, आपके करियर अलग अलग बन जाएंगे, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप एम फार्मेसी के बाद या फार्मडी के बाद आपको क्या क्या जो स्कोप है हम अगर उसको देख लें तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या लेनी चाहिए, एम फार्मेसी या फार्मडी। हम इसको इस तरीके से भी डिसाइड कर सकते हैं कि एम फार्मेसी में और फार्मडी में हमें क्या पढ़ाया जाएगा। अब जो हमें ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है उसके थ्रू हम जा सकते हैं। अगर हमें एम फार्मेसी के सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप एम फार्मेसी पढ़ सकते हो, और अगर आपको फार्मडी के सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं कि ये वाले सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है और इसके बाद ये मैं करना चाहता हूँ, तो आप फार्मडी ले सकते हो। हाँ, स्कोप की बात हम बाद में करेंगे, स्कोप इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आप बी फार्मेसी स्टूडेंट्स हो तो आप ये समझें सबसे पहले कि बी फार्मेसी के बाद अगर आप एम फार्मेसी कर रहे हो तो एम फार्मेसी 2 ईयर्स की होगी, और वहीं अगर आप फार्मडी कर रहे हो तो फार्मडी 3 ईयर्स की हो जाएगी। वैसे जनरली 6 ईयर्स की होती है, लेकिन अगर आप बी फार्मेसी के बाद फार्मडी कर रहे हो तो वो 3 ईयर्स की हो जाती है, जिसमें आपको 3 साल के अंदर आपके 4th ईयर, 5th ईयर और एक 6th ईयर आता है। 3 साल आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। अब अगर मैं एम फार्मेसी की बात करूं, एम फार्मेसी के बाद आपकी जो सैलरी होने वाली है वो बेसिक सी होगी, 25,000 से लेकर 30,000 के आसपास हो सकती है पर मंथ। और ये एक एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपकी एम फार्मेसी जस्ट कंप्लीट हुई और आप जॉब के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर आपको 25 से लेकर 30,000 मिल सकती है। आपको एम फार्मेसी के बाद रिसर्च के अंदर काम कर सकते हो, एज अ मैनेजर पोस्ट काम कर सकते हो। और अगर फार्मडी की बात करें, फार्मडी के बाद आप अगर आप जॉब लेने जा रहे हो तो आपको जो बेसिक फ्रेशर सैलरी होने वाली है वो हो सकती है 30K अराउंड। अभी ये दोनों मैंने बताया है, एम फार्मेसी के लिए 25 to 30 और फार्मडी के लिए 30,000, ये एक एवरेज सैलरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप हमें कमेंट में लिखोगे भैया यहाँ पर तो मेरे को 10,000 मिल रही है या फिर हमें तो 50,000 मिल रही है, तो आप बहुत कम कह रहे हो, बहुत ज्यादा कह रहे हो। ये एक एवरेज वैल्यू आई है इंटरनेट के ऊपर से, जो आई है फार्मडी की और एम फार्मेसी की। ये आप जज ना करें इसकी मदद से कि आपको इतनी ही मिलने वाली है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करते हैं काफी सारी आपकी पोस्ट क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी कंपनी क्या है, काफी चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन हाँ ये एवरेज है। उसके बाद अगर हम बात करें एम फार्मेसी और फार्मडी के अंदर, अगर तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हो तो वहां पर एम फार्मेसी का स्कोप ज्यादा है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हो तो वहां पर फार्मडी ही मस्ट है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज के अंदर अब्रोड काम करना चाहते हो वहां फार्मडी प्रेफर की जाती है। एम फार्मेसी कुछ कंट्रीज में ही एलिजिबल है आपको, अगर आपने इंडिया से एम फार्मेसी करी है तो एलिजिबल कुछ ही कंट्रीज में, लेकिन अगर आपने फार्मडी करी है तो आप काफी सारी कंट्रीज में काम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फीस की, एम फार्मेसी और फार्मडी। काफी बार ये सिचुएशन काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है कुछ फैमिलीज के अंदर, हमारी फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं होते, तो यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि हमें कितना पैसा देना पड़ेगा अगर हमें एम फार्मेसी करनी है या फिर फार्मडी करनी है। अब अगर आप एम फार्मेसी करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका जो गवर्नमेंट प्राइवेट है, एक एवरेज अगर मैं वैल्यू उठा लूँ तो वो वैल्यू बनती है 1 से 3 लाख रुपए के आसपास आपको यहाँ पर पे करना होगा, ये मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। और अगर आप फार्मडी की बात कर रहे हो तो फार्मडी के अंदर यहाँ पर आपको 5 लाख से लेकर 20 से 25 लाख रुपए भरना पड़ सकता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट में कंबाइंड एवरेज सैलरी अभी आपको बता रहा हूँ। मिनिमम हो सकती है यहाँ पर 2 लाख से लेकर 5 लाख हो सकती है फार्मडी की, लेकिन यहाँ पर एम फार्मेसी की मिनिमम हो सकती है 50,000 से लेकर 1 लाख की। तो हम यहाँ पर एम फार्मेसी की मान के चलो कि 1 से 3 लाख और फार्मडी आपको यहाँ पर 5 से 20 लाख रुपए के आसपास पड़ेगी। रिसेंटली अभी मैंने अपने ऑडियंस से बातचीत कर रही थी कि आप कितना पैसा पे कर रहे हो एनुअली, तो यहाँ पर आप ये रिपोर्ट देख सकते हो हमारी, यहाँ पर जो फार्मडी की है वो कितनी जा रही है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स और सिलेबस की, एम फार्मेसी और फार्मडी की। एम फार्मेसी भी यहाँ पर आपको 2 साल पढ़नी है, फार्मडी भी आपको यहाँ पर 2 साल पढ़नी है, 1 साल यहाँ पर इंटर्नशिप का है। अब फार्मडी के अंदर आपको पढ़ना तो 2 साल ही है, लेकिन 1 साल यहाँ पर आपकी इंटर्नशिप हो जाएगी। अब उस 1 साल के अंदर यहाँ पर आपके 6 महीने होगा जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर आपकी इंटर्नशिप होगी, और यहाँ पर 6 महीने के अंदर यहाँ पर आपके जितने भी बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर आपकी इंटर्नशिप हो जाएगी। एम फार्मेसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी पीसीटिक्स आ जाती है, फार्मेकोलॉजी आ जाती है, एनालिसिस आ जाती है, रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्मेकोग्नोसी, फार्मेसी प्रैक्टिस यहाँ पर आपके आ जाते हैं। सब्जेक्ट की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी है। वहीं अगर हम फार्मडी की बात करें तो फार्मडी के अंदर यहाँ पर आपकी क्लिनिकल रिसर्च आ जाती है, फार्मास्यूटिक्स आ जाती है, हॉस्पिटल फार्मेसी आती है, बायो फार्मास्यूटिक्स आती है, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल रिसर्च, यहाँ पर आपके ये सारे काफी सारे टॉपिक्स जो आपको हैं वो पढ़ाए जाते हैं। लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर 4th ईयर और 5th ईयर में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे।
लेकिन यहाँ पर एम फार्मेसी हल्की सी यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको एक फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करनी होगी। फार्मा डी के तो यहाँ पर आपके फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर के अंदर सब्जेक्ट है, लेकिन एम फार्मेसी के यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अगर आपका फार्मास्यूटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड काफी सारे अंदर उसकी डिटेल डेप्थ आ जाती है। फार्माकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उसके अंदर यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि अगर आपने एम फार्मेसी करनी है तो एम फार्मेसी किस फील्ड के अंदर करनी है। 10 से ज्यादा फील्ड्स हैं एम फार्मेसी के अंदर भी, जिसके अंदर आप 2 साल की हैं सारी जितनी भी आप करना चाहते हो, तो आपको वो भी डिसाइड करना होगा कि अब मुझे किस में करनी है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि अब तक मुझे एम फार्मेसी करनी है, तो आप हमारी ये अगली वीडियो देख सकते हो जिसके ऊपर मैंने एम फार्मेसी की जितनी भी स्पेशलाइजेशन होती है उनके ऊपर बात करी है, वो कौन से होती है, उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको फार्मा डी ही करनी है, तो यहाँ पर फार्मा डी से रिलेटेड भी काफी सारी वीडियोस हमने क्रिएट करी हैं। आप हमारी फार्मा डी वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर आप और सारी वीडियोस को देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।